कर कर होवन तेरिया मेरिया वे मैनू शक्ल दिखा जा बोल मिटी होए बावे आओ हो तेनू केड़े गमाने होए रात जागे ते शेख कहावे राती जागन कुत्ते चैकी उते वे दिन सारा गलियां विच रुलदे ते राती जा राड़ा विच सुते चैकी उते होए यार दा बुआ नितना छड़दे। मंजीत एक शांत सरस कोमल और वीत रागी मन तक पहुंचे हैं। उनके चित्र दर्शक को चौंकाते नहीं हैं, बल्कि स्नेह से पास बुलाते हैं, क्योंकि इनके चित्रों में निराशा और अवसान नहीं है, रंगों का घमासान नहीं है। रंग कहता है हाँ मैं हूँ, और ये गोलाइयां कवि मन की उपज है। आज चित्रकला के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पे आप पहुंच चुके हैं, उस ऊंचाई से आपको ये कला की दुनिया कैसी दिखती है? मुझे बिल्कुल वैसे दिखती है जिस दिन मैंने शुरू किया था पेंटिंग, मेरे कोई चेंज नहीं आया। कि तब भी हम पेंटिंग करते थे उतने जोर से, उतने दिल से करते थे, उतने आनंद से करते थे, उतने प्यार से करते थे, वो वही आज भी वही चीज़ है। मंजीत जी, आप जब कोई पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कैनवस पे ड्राइंग करते हैं या डायरेक्ट कलर से स्टार्ट करते हैं? ये मेरा प्रोसेस थोड़ा लंबा है। मैं पेंटिंग करने से पहले बहुत ड्राइंग करता हूँ। अच्छा। और वो ड्राइंग इसलिए नहीं करता कि मैंने पेंटिंग करनी है, मैं ड्राइंग करता रहता हूँ। मेरे पास हर जगह, घर में भी, स्टूडियो में भी, यहाँ पर भी, जहाँ मैं बैठता हूँ मेरे पास स्केच बुक्स अपने ऊपर ही रहती हैं। तो कभी टेलीफोन करते करते भी मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, मेरे टेलीफोन बुक्स भी मेरी ड्राइंग होती हैं। मेरे पास नंबर घुमाया तो मेरा हाथ चलता रहता है, तो जैसे ये पड़ी हुई हैं इधर भी, तो उसमें ड्राइंग की होगी, तो ये ड्राइंग करता रहता हूँ। तो इनसे फिर मुझे आगे कुछ आइडियाज़ नज़र आते हैं और कभी जैसे इसकी पेंटिंग हो सकती है, और पर डिपेंड करता है, चुनता रहता हूँ किसकी पेंटिंग होनी है। और ये प्रोसेस मेरा ऐसे चलता है, और हर जगह होती है ड्राइंग, इसमें भी होगी ड्राइंग। तो पहले आप कैनवस पर ड्राइंग? फिर पहले मैं इस पर ड्राइंग करता हूँ, इनमें से चूज करता हूँ, इनको चूज करके, और कौन सी पेंटिंग बननी है उसको फिर मैं जितनी बड़ी पेंटिंग बनानी है उतनी बड़ी ड्राइंग करता हूँ। तो वो कई बार ड्राइंग छोटी रह जाती है, तो मैंने बनाया जैसे 6 फुट पेंटिंग करनी है, 6 फुट की ड्राइंग बनाई, लगा नहीं ये ज़रा बड़ी होनी चाहिए थी। अच्छा। ऐसे स्पेस बड़ी होनी चाहिए मुझे इसमें, तो ड्राइंग थोड़ी छोटी करें। तो फिर कैनवस मैं पहले नहीं बनाता। अच्छा। पहले ड्राइंग करता हूँ, उतनी बड़ी करता हूँ जितनी बड़ी करनी है, उसके हिसाब से फिर मैं सोचता हूँ कई दिन तक कि ड्राइंग, ऐसी कई ड्राइंग करता हूँ उसमें से मुझे लगता है कि ये इसमें पेंटिंग बन ही नहीं सकती, फिर छोड़ देता हूँ उसे, इसीलिए मैं ट्रेस करता हूँ उसे। और कई बार ट्रेस करने के बाद पता लगता है थोड़े दिन के बाद, ड्राइंग करने के बाद, वो कैनवस में थोड़ा मज़ा नहीं आया, स्पेस और टिके थी या कम टिके थी, फिर मैं छोड़ देता हूँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा। और जो कलर्स आप यूज़ करते हैं, फ्लैट अक्सर देखा गया है कि आपके जो पेंटिंग के जो फ्लैट बेस होते हैं, सिंगल कलर, तो इसके पीछे कोई कारण है या जस्ट आप यू लाइक इट दैट वे? हर चीज़ की लाइकिंग और डिसलाइकिंग के पीछे कोई रीज़न होता है या होना चाहिए, वन शुड नो वाई इज डूइंग, क्यों कर रहे हो ऐसे तुम। तो और वैसे ज़रूरी नहीं कि इंट्यूटिवली कोई कर सकता है, उसके भी मैं वो नहीं हूँ कि जो इंट्यूटिवली कर रहा है उसको शायद एनालाइज ना कर पाता हो, और ग्रामर पता हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, भाषा का इतना ज्ञान हो या ना हो। तो लोगों ने अपनी लोकल भाषा में भी कविता लिखी है कबीर। मंजीत बाबा की जो ख़ास बात जिसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ, वो ये है कि उसकी जो फॉर्म की सिंप्लीफिकेशन, ही रीचेस टू द एसेंस ऑफ द फॉर्म, ही सिंप्लीफाइज एंड
इन फ्लैट कलर ही क्रिएट्स वाइब्रेशंस विच आर, दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट द इंडियन पॉप आर्ट, बाजार आर्ट यू कैन कॉल इट. उनके फॉर्म्स और उनके जो ट्रीटमेंट ऑफ कलर है फ्लैट कलर्स, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है. और उनके पूरा बैकग्राउंड एक फ्लैट कलर से रंगा होता है, जो कि एक एक विशाल गगन का या एक विशाल कॉस्मोस की अनुभूति देता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज रेड. यू नो, रेड इज अ वेरी डिफिकल्ट कलर टू यूज बिकॉज इट इंट्रूड्स, इट invades, it takes over space. So to be able to understand how red is to be used, it's a great thing. And it took him, Manjeet, a lot of time to know how, in what context red could be used, and what were the other colors, what quality of other colors could be used with red. Jai Jai Rab Jangli Patkeyan.